तो भैया क्रोम ओएस का अर्ली वर्जन क्रोम ओएस फ्लेक्स ऑफिशियली लॉन्च हो गया है, लेकिन ये एक अनस्टेबल वर्जन है और इसलिए ये आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में चल भी सकता है या नहीं भी चल सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक बार ट्राई किया जाए, क्योंकि इसे इंस्टॉल करते ही आपका हार्ड डिस्क पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाता है, इसलिए सबसे पहले हम इसे अपने पेन ड्राइव में ही इंस्टॉल करेंगे और बाद में सब कुछ अच्छा रहा तो हार्ड डिस्क में भी इंस्टॉल कर लेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इसे इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पीसी का कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं और आप देख सकते हैं कि मेरा पीसी i3 फर्स्ट जनरेशन का है और रैम 4GB है। क्रोम ओएस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन कीजिए और सर्च बार में क्रोम ओएस फ्लेक्स डाउनलोड टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। सबसे ऊपर वाली क्रोम की ऑफिशियल साइट को क्लिक कीजिए और यहाँ ट्राई क्रोम ओएस फ्लेक्स को क्लिक कीजिए। अब यहाँ आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि भरकर नीचे क्लिक कीजिए। अब यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आइए और व्यू द इंस्टॉलेशन गाइड पर क्लिक कीजिए और यहाँ क्रिएट द यूएसबी इंस्टॉलर पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ देखेंगे कि आपको क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी को एक्सटेंशन के रूप में इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए यहाँ क्रोम वेब स्टोर पर क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी को ऐड करने का ऑप्शन आ गया है। सिंपली ऐड टू क्रोम पर क्लिक करके इसे अपने क्रोम ब्राउजर में एक्सटेंशन के रूप में ऐड कर लीजिए और इस पॉपअप को कट करके एक्सटेंशन के आइकन पर क्लिक करके क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी पर एक बार क्लिक कीजिए। यहाँ क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी की नई विंडो खुल जाएगी। अब आपको अपने पीसी में एक 8GB या उससे ज्यादा की पेन ड्राइव लगा लेनी है और गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ सेलेक्ट अ मॉडल फ्रॉम अ लिस्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ मैन्युफैक्चरर में गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स को सेलेक्ट करना है और नीचे प्रोडक्ट में क्रोम ओएस फ्लेक्स डेवलपर अनस्टेबल पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ अपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट कीजिए और नीचे क्रिएट नाउ पर क्लिक कीजिए और ये देखिए हमारी क्रोम ओएस की बूटेबल पेन ड्राइव बनना चालू हो गई है। यहाँ आपको 20 से 30 मिनट का समय लग सकता है, तो इंतजार कीजिए और बीच में अगर यस और नो का पॉपअप आए तो उसे यस पर क्लिक कर दीजिएगा और देखिए फाइनली आधे घंटे के बाद मेरा क्रोम ओएस का बूटेबल पेन ड्राइव बन चुका है। तो यहाँ डन पर क्लिक कर दीजिए और मैं क्रोम ब्राउजर को क्लोज कर देता हूँ। आपको यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन भी आ सकता है, तो उन सभी को क्लोज कर देना है। आप दिस पीसी में देख सकते हैं कि आपकी पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है। यहाँ आपको बहुत सारी ड्राइव भी दिख सकती है, तो आपको उनको कुछ भी नहीं करना है। अब आप अपना पीसी रीस्टार्ट कर लीजिए और बूट की को दबाते रहिए। मेरा बूट की F11 है, आपका जो भी हो दबाते रहिए जब तक ये ऑप्शन ना आ जाए। अब यहाँ डाउन एरो की से अपना पेन ड्राइव को सेलेक्ट करके इंटर दबाइए और आपका क्रोम ओएस स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपकी स्क्रीन अटक जाती है तो अपने पीसी को एक बार डायरेक्ट बंद करके फिर से चालू कीजिए और ये स्क्रीन आने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है, आप यहाँ दो ऑप्शन देखेंगे। अगर आप पहले ऑप्शन इंस्टॉल क्लाउड रेडी 2.0 पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाएगा और क्रोम ओएस इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पहले बिना किसी नुकसान के ट्राई करना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन ट्राई इट फर्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इससे ये होगा कि क्रोम ओएस आपके पेन ड्राइव में ही इंस्टॉल हो जाएगा और आपके हार्ड डिस्क का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। और अगर आपके पीसी में ये सही से चलता है तो इसी पेन ड्राइव से आप अपने हार्ड डिस्क में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना वाईफाई कनेक्ट करता हूँ और दूसरे ऑप्शन ट्राई इट फर्स्ट पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। वाईफाई कनेक्टेड है तो नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ यू पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और अब यहाँ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन कीजिए, फिर यहाँ टिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ असिस्टेंट के लिए पूछेगा तो मैं एग्री पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए। और इस तरह आप देख सकते हैं कि क्रोम ओएस फ्लेक्स आपके पेन ड्राइव में इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन ये क्या, गूगल वाले ने तो प्ले स्टोर दिया ही नहीं भाई। मैंने सेटिंग्स में भी देख लिया, कहीं भी प्ले स्टोर को इनेबल करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। फिर भी अगर आपको इसे अपने हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करना है तो यहाँ साइन आउट पर क्लिक कीजिए और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल क्लाउड रेडी 2.0 का ऑप्शन आ रहा है। सॉरी, मेरे मॉनिटर में आपको ये
दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पर है। इस पर क्लिक कीजिए और इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपका हार्ड डिस्क पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। इसमें 2 से 4 मिनट का समय लग सकता है और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये खुद ही पीसी को शट डाउन कर देगा और उसके बाद आप अपने पेन ड्राइव को निकाल लीजिए और पीसी स्टार्ट कीजिए। और ये क्या हुआ, ये तो क्रैश हो गया। इसी बात पर ये मीम बनता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।